हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी एक्सरसाइज क्या है, 2.5 है। इसमें हमें सीखना क्या है कि किसी भी परिमेय संख्याओं को किस प्रकार भाग किया जाता है। इससे पहले वाले में हमने सीखा क्या कि किस प्रकार उनको जोड़ा जाता है, घटाया जाता है या गुणा किया जाता है। तो हमें सीखना क्या है कि किस प्रकार संख्याओं को भाग किया जाता है। मान लीजिए क्या है, 5/4 संख्या कोई हमारी है, इसको भाग किससे करना है, 5/4 से करना है ना। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ कहीं भी आपको किसका निशान मिल जाएगा, भाग का मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे किसका निशान हमें लगाना है, गुणे का लगाना है। 5/4 भाग के स्थान पे किसका निशान, गुणे का निशान। अगली संख्या जो हमारी लिखी होगी उसको किस में परिवर्तित कर देना है, गुणात्मक वर्णमालों में परिवर्तित कर देना है। मीन्स क्या कि अंश का हर और हर का अंश के रूप में परिवर्तित कर देना है ना। तो कितना लिखी हुई संख्या, 5/4, तो परिवर्तित पलट जाएगी, कितना हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कि संख्या अगर कट रही है, हर से अंश और हंस से हर कट रही है, तो उसको काट दिया जाएगा। 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना सरल सवाल है, है ना। ऐसे ही एक्सरसाइज में क्या है, बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है कि 9/5 लिखा हुआ है, भाग किससे करना है, 50 बटे कितने से, 2 से करना है, 3 से मान लीजिए करना है ना। तो क्या दिक्कत, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, 9/5 भाग के स्थान पे किसका निशान, गुणे का निशान। संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 3/50 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अंश का अंश से गुणा, हर से गुणा। क्योंकि किसका हम सीख रहे हैं, इससे पहले कि गुणे में हमने क्या सीखा कि अंश को अंश से गुणा कर दिया जाता है और हर को हर से गुणा किया जाता है। 9 3 27 55 25, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है कि एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं, तो उनको आइए चलते हैं करते हैं। हमारा एक्सरसाइज का सवाल क्या है कि निम्न को सरल कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, 4/9 डिवाइड किससे करना है, -5/12 से। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि -12/7 डिवाइड किससे करना है, -18 से करना है ना। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बताया गया क्या कि जहाँ पे भाग का निशान है वहाँ पे किसका निशान लगाना है, आपको गुणे का निशान लगाना है। और बाकी संख्या किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब क्या है कि क्या हो जाएगी, संख्या अंश का हर और हर का अंश हो जाएगी ना। आइए करते हैं इसको। हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है, भाग के स्थान पे किसका निशान लगाना है, गुणे का। पहली संख्या में कोई परिवर्तन करना है, नहीं करना है, क्या हो जाएगी हमारी, 4/9 हो जाएगी। जहाँ पे भाग लिखा हुआ है वहाँ पे किसका निशान, गुणे का हो जाएगा। संख्या हमारी क्या बताया कि जो अगली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम। मीन्स जो अंश में होगा वो हर और जो हर में होगा वो अंश में, क्या हो जाएगा, 12/-5। इतना हो जाने के बाद आपको देखना क्या है कि संख्या में हमारी संख्या कौन कौन सी कट रही है। मीन्स हर से कौन कौन से अंश कट रहे हैं और अंश से कौन कौन से हर कट रहे हैं, इन चीज़ों को देखना। तो सबसे पहले यहाँ क्या देखते हैं, 3 से 3 3 का 9 3 4 12। अब देखते हैं क्या कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, 4 × 4/3 × -5 16/-15 यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कितना सवाल सरल है, बस ऐसे ही इसको भी लगा देना है, क्या हो जाएगा आपका, -12/7 भागे कितना सवाल है हमारा, -18। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा आपका, -12/7 भाग के स्थान पे किसका निशान लगेगा, गुणे का निशान, गुणा हो गया। संख्या किसके रूप में लिखी हुई है आप देखेंगे तो क्या आपको हमेशा बताया गया कि जो भी संख्याएं लिखी होती हैं इस तरह, वह हमेशा किसके रूप में होती, अंश के रूप में होती। बटे में कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक स्टेप में और लिख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, -18/1। अब आपका आसान हो गया सवाल ना, अब तो आप आसानी से कर सकते हो ना, -12/7 भाग के स्थान पे गुणे का निशान, 1/-18। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या संख्याएं कट रही हैं,
जी हाँ, कट रहे हैं तो उससे पहले आप निशान देखते हैं, यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों संख्याएं कट जाएंगी माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 छक 18, फिर 2 से काटते हैं, 2 दुनी 4, 2 त्या 6। अब क्या संख्या कट रही है, नहीं कट रही है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 7 × 3 इक्वल कितना, 2 × 1 = 2, 7 × 3 = 21। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर होता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कुछ ना कुछ बता सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल क्या है कि −16/36 / −15/40 क्या बताया गया इसमें कि पहली संख्या में कोई परिवर्तन करना है, नहीं करना है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, −16/36, भाग के स्थान पर किसका निशान, गुणे का निशान, कितना हो जाएगा गुणे, संख्या क्या हो जाएगी अब पलट जाएगी, कितना हो जाएगा 24 × 14 −15, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, फिर 2 से 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 9 36, कितना हो जाएगा आपका 14 चौक 56 / कितना 15 9 135, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे संख्या सरल हो रही है तो उसको क्या करिए, सरल कर कर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा आपका यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि −3/65 डिवाइड किससे करना है, −4 से 65 को करना है। ये तो बहुत ही सरल सवाल लग रहा है ना, क्या हो जाएगा पहला स्टेप, आपको कुछ करना है नहीं करना है ना, कितना हो जाएगा 3/65 हो जाएगा, जहाँ पे भाग का निशान होगा वहाँ पे किसका निशान आ जाएगा, गुणे का निशान आ जाएगा, गुणे हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपको, संख्या को पलट देना है, मीन्स अंश का हर और हर का अंश, 65/ कितना −4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि अंश और हर में माइनस है ना, माइनस माइनस कट गया। अब क्या देखते हैं, संख्या हमारी और कट रही है कि नहीं कट रही है, तो 65/65 देखते हैं क्या हो रही है, कट रही है ना, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, कितना बचा आपका −3/4, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, 2 संख्याओं का गुणनफल 5/12 है, उनमें से यदि एक संख्या 3/-14 है तो दूसरी संख्या बताइए। कोई दिक्कत है सवाल में, नहीं है ना, क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि हमने आपको इससे पहले वाले भी सवाल को बताया हुआ है कि किस प्रकार हम संख्याओं को गुणा करते हैं, वहाँ पे क्या दिया था आपको, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, बस वहाँ पे किसका निशान लगाते थे, हम गुणे का निशान लगाते थे, और यहाँ पे क्या करना है आपको, डिवाइड का लगाना है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हमसे कहा गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 5/12 है, तो इसको लगाते हैं, क्या कहा गया, संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपको, 5/12 दिया हुआ है। पहली संख्या क्या दी हुई है आपको, यदि एक संख्या दी हुई है ना, तो क्या पूछा गया, दूसरी संख्या ना, तो क्या दी हुई है, एक संख्या, मींस पहली संख्या कितनी दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, 3/-14 दी हुई है। पूछा क्या गया हमसे, दूसरी संख्या पूछी गई, तो हम उसको क्या कर देते हैं, मान लेते हैं क्या, कि माना कि दूसरी संख्या बराबर कितना, x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं ना, तो क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है क्या, कि इसलिए क्या करना है यहां पे, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम दोनों संख्याओं के गुणनफल को पहली संख्या से क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, समझ रहे हैं ना, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को अगर पहली संख्या से भाग दे दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि दूसरी संख्या हमारी कौन सी है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, 5/12 भाग किससे करना है आपको, 3/-14 से करना है। अब तो आपका सवाल आसान हो गया ना, इतना सवाल लगा दिया गया और इतना ही बता दिया गया। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जैसा स्टेप पहले फॉलो किया गया, 5/12
गुड़ भाग का निशान है तो किसका निशान हो जाएगा आपका, गुड़े का निशान हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुड़े, संख्या हमारी क्या हो जाएगी पलट जाएगी ना, क्यों नहीं पलटेगी, क्योंकि आपको बार बार बताया गया क्या कि जब भी हम भाग का निशान लगाएंगे तो संख्या अगली हमारी क्या हो जाएगी गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, कितना हो जाएगा आपका -14/3। अब देखते हैं क्या कि इसमें माइनस और प्लस कहीं पे है, नहीं है ना, माइनस यहाँ पे लेकिन प्लस है ना, तो संख्या कटेगी, चिन्ह हमारा परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना। अब संख्याओं को देखते हैं, करते हैं तो काट दिया जाएगा, 2 से 2 6 12 2 7 14। नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा, 5 × -7 = 6 × 3। नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा आपका, 5 × 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 35 किसके साथ, माइनस के साथ में, और बटे में कितना हो जाएगा 6 × 18, है ना। अब हमको क्या पता चल गया कि जो हमारी दूसरी संख्या थी यह कितना है, -35/18 है, मीन्स क्या कि जो x की वैल्यू थी वो कितनी निकल के आ गई आपकी, -35/18 आ गई, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। यदि हम क्या कर देते हैं कि पहली संख्या -3/14 है इसको और -35/18 को जोड़ देंगे तो कितना योगफल आपको प्राप्त हो जाएगा, 5/12 प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो जब दोनों संख्याओं को हल किया जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 5/12 प्राप्त हो जाएगा, है ना। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या -33/8 की संख्या से भाग दें कि हमें 11 -11/2 प्राप्त हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, जैसा अभी आपने सवाल लगाया सेम वही सवाल है आपका, है ना। तो आइए देखते हैं क्या दी हुई है हमें, संख्या दी हुई है कितनी आपको, -33/8 दी हुई है ना। इसको क्या करना है, किस संख्या से भाग दिया जाए कि हमें -11/2 प्राप्त हो, मीन्स जो हमारी पहली संख्या क्या दी हुई है आपको, कितनी पहली संख्या कितनी दी हुई है आपको, -11/2 दी हुई है, तो हमसे क्या पूछा गया, दूसरी संख्या पूछी गई है ना, अतः कितना हो जाएगा आपको भाई, अगर इस संख्या से अगर इसको भाग दे दिया जाए ना तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सेम ही कंडीशन यहाँ पे कर देते हैं, क्या हो जाएगा, अतः में कितना हो जाएगा, -33/8 डिवाइड किससे करना है आपको, -11/2 से कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आप जानते हो ना क्या हो जाएगा, -33/8 × 2/ कितना, -11। सवाल में क्या देखते हैं कि माइनस माइनस है, मीन्स अंश और हर में, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, संख्या हमारी क्या हो रही है कट रही है, तो 11 × 11 = 11 = 33, 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 9 = 2 × 2 = 8, कितना आ गया 3/4 आ गया, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमें जो संख्या बात करनी है क्या कि -33/8 को किस संख्या से भाग दिया जाए, तो वह संख्या हमारी कौन सी है आपकी, 3/4 है। अगर 3 -33/8 को 3/4 से क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, -11/2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो कितना सरल सवाल है। ऐसे ही हमारा अगला सवाल क्या है कि 15/5 मीटर कपड़े का मूल 65 से ही 1/2 मीटर है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, जिस प्रकार आपने लोअर क्लासों में सवाल लगाया हुआ है उसी प्रकार सेम ही वाला सवाल है कि 5 कलम का मूल्य कितना है, 10 रुपये, 1 कलम का मूल्य उसमें से पूछा गया, तो आप बता सकते हो क्या कि 10 को हम किससे डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, तो आपको 1 कलम का मूल्य पता चल जाएगा ना। सेम ही क्वेश्चन आपका है कि 15/2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या दिया हुआ है, 65 से ही 1/2 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर का पूछा गया ना, तो क्या करना है आपको, मूल्य से क्या कर देता है, कुल मीटर कपड़े को डिवाइड कर देते हैं, आपका उत्तर मिल जाएगा। क्या है हमारे पास, कुल कपड़ा कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है आपको, 15/5 मीटर दिया हुआ है। कुल मूल्य कितना है कपड़े का भाई, कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है, कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है, 65 से ही 1/2 रुपये है ना, या किस रूप में है, मिश्र भिन्न के रूप में, कन्वर्ट किस में किया जाएगा, साधारण भिन्न में, कितना हो जाएगा आपका, 131/2 हो जाएगा।
साधारण भिन्न में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, 65 को 2 से गुणा किया जाएगा, जितना आएगा उसमें कितना प्लस कर देना है, 1 प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा आपका 131/2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। भाई कुल कपड़े के मूल्य कितना है भाई, 131/2 है ना, और हम क्या कर देते हैं कुल कपड़े को इससे डिवाइड कर देते हैं, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कितना हो जाएगा, 131/2 डिवाइड किससे करना है आपको, 15/5 से कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको क्या पता है कि 15/5 मीटर है ना, अब इसमें से कितना निकालना है आपको, 1 मीटर निकालना है। संख्या हमारी कितनी है, 131/2, भाग के स्थान पे किसका निशान, गुणा का निशान, कितना हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, 5/15 हो जाएगी। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना हो जाएगा आपका भाई, हल किया जाए कितना आ जाएगा, 655 आ जाएगा, बटे में कितना, 30 आ जाएगा। जब इससे संख्या को हल किया जाएगा टोटल कट पिट के कितना आ जाएगी आपकी, कितना आ जाएगी, 21.83, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अतः हमें क्या हो गया, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 21.83 रुपये है ना। तो सवाल में कोई दिक्कत है नहीं है ना। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए, जिससे उन लोगों की क्लासेस अगर क्या है कंटिन्यू नहीं हो पा रही है तो क्लासेस उनकी कंटिन्यू हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 सही 1/2 गत्ते का मूल्य 78 सही 3/4 है, प्रति किलो गत्ते का मूल्य बताइए। आपने क्या देखा कि इससे पहले वाला जो सवाल बताया गया सेम वही सवाल है ना, केवल यहाँ पे जो हमारा सही के रूप में लिखा है वहाँ पे क्या लिखा था, 15/5 लिखा हुआ था, है ना। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना, सेम सवाल है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि लैंग्वेज हम किस प्रकार लिखते हैं, सवाल में बस इतना ही अंतर कि वहाँ पे क्या दिया हुआ था, कपड़ा दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, गत्ता दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कि गत्ता कितना दिया हुआ है आपका, गत्ता कितना दिया हुआ है आपको, 2 सही 1/2 कितना हो जाएगा, 2 दुनी 4 5/2 kg हो जाएगा, है ना। गत्ते का मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, गत्ते का मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, 78 सही 3/4 दिया हुआ है। जब इसको हल किया जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 315/4 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा गया कि प्रति किलो गत्ते का मूल्य बताइए, तो क्या कर देते हैं उसको हल कर लेते हैं, मींस क्या कि 315 से किसको डिवाइड कर दिया जाए, एक गत्ते का मूल्य, मींस क्या कि कुल गत्ता कितना है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको उत्तर पता चल जाएगा ना कि 1 किलो गत्ते का मूल्य कितना है, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए प्रति किलो गत्ते का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा आपका, 315 कितना, 315/4 डिवाइड किससे करना है आपको, 5/2 से कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा आप जानते हो, कितना, 315/4 गुणे 2/2 कितना, 5 हो जाएगा, 2 से 2 दुनी 4। नेक्स्ट कितना आ गया, 315/5 × 10। इतने में किसी को दिक्कत नहीं है ना, आंसर कितना आ जाएगा आप जानते हो, अगर 1 0 है तो पीछे से कितना दशमलव लगाना है आपको, 1 दशमलव लगाना है, कितना हो जाएगा, 1.5, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। मीन्स क्या, अगर आपसे भिन्न के रूप में पूछता तो 315/10 आपका उत्तर हो जाता, और अगर दशमलव में भी पूछता है तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी क्या हो रही है आपकी, समाप्त हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में मिलते हैं।